नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल शिवपूजन राजमिस्त्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम दिखा रहे हैं रेलिंग के पिलर के ऊपर गोलाई में मोल्डिंग डिजाइन कैसे बनाएं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो में। दोस्तों, आज हम बहुत ही विस्तार में मोल्डिंग डिजाइन बनाना दिखाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, शटरिंग हमारी लग चुकी है, जो कि बहुत ही आसान तरीके से रेलिंग और पिलर के सपोर्ट से लगाई गई है। नीचे से कोई सपोर्ट नहीं लिया गया है। ये देखिए दोस्तों, अब गीली मिट्टी लग रही है। दोस्तों, गीली मिट्टी लगाने के बाद ये सूखी मिट्टी डालकर शटरिंग के ऊपर फैला लिया गया है पूरी तरीके से। दोस्तों, पटरी की सहायता से इसको पीट कर समतल किया जा रहा है, ताकि बैठे ना माटी। ये देखिए दोस्तों, पीट के हमने लेवल कर लिया है। और दोस्तों, कच्चे के लिए मसाला बिछाया जा रहा है फर्श पर। और दोस्तों, ये देखिए, लेवल चेक किया जा रहा है, उसके बाद इस फर्श पर लेवल किया जाएगा। ये देखिए, लेवल ठीक लगाया जा रहा है मसाले के ऊपर। दोनों साइड लेवल किया जा रहा है दोस्तों, फंटी बड़ी फंटी रखकर, और लेवल हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए दोस्तों, दोनों साइड बराबर ठीक बना लिया गया है, और हमारा कच्चा पूरी तरीके से तैयार किया गया है। ये देखिए कितने सुंदर तरीके से। ये देखिए कितना बढ़िया फ्रेश तैयार हो गया है इस पे। और ये देखिए, जो कच्चा किया गया है उस पे घोला चढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, इसी के ऊपर डिजाइन बनाई जाएगी। घोला चढ़ाने के बाद दोस्तों, जो भी मेरे चैनल से अभी नए जुड़े हैं, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ये देखिए दोस्तों, घोला हमारा कितना ज़्यादा मोटा घोला ना चढ़ाएं दोस्तों, वरना टूट जाता है। ये देखिए दोस्तों, घोला हमारा चढ़ के रेडी हो गया है, और डिजाइन बनाने के लिए जो पिलर लगा है, पिलर पर गुनिया किया जा रहा है। और हाँ दोस्तों, डिजाइन बनाने से पहले जो पिलर लगा है उसका प्लास्टर का मार्जिन निकाल लें, आधी इंची का है। देखिए दोस्तों, अब हमने डिजाइन बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए, मैंने पहले 1 इंची का पट्टी बनाया है, जो 1 इंची का फंठी लेकर 1 इंच पट्टा बनाया है हमने। और हाँ दोस्तों, साइड में जो पिलर था, पिलर की नाप निकाल कर ये देखिए, गोलाई 1 इंची में गोलाई मारी जा रही है सूत की सहायता से। छोटी फंठी की सहायता से इसको कटिंग करके इसकी धार फिनिशिंग की जा रही है। ये देखिए दोस्तों, गोलाई हमारी पूरी तरीके से तैयार हो गई है, कितनी बढ़िया दिखाई दे रही है। और हाँ दोस्तों, अब
गोलाई के लिए जो मोल्डिंग बनाई जाती है उसके लिए 2 इंची का पट्टा, ये देखिए खड़ी फंडी करके भर दिया गया है, ये देखिए उसके ऊपर सिंगल इंची का 1 इंची का पट्टी उसके ऊपर से बनाई जा रही है, बीच में मोल्डिंग रहेगी, हमारा नीचे एक पट्टी दिखाई देगी, पट्टी ऊपर दिखाई देगी। ये देखिए दोस्तों हमारा डिजाइन बन के तैयार हो गई है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, बीच में मोल्डिंग बनाने के लिए मोरंग मोटी थी हमारी, इसलिए हमने इसको छन्नी से छनवा कर बढ़िया बारीक मोरंग निकाल कर मोल्डिंग, ताकि मोल्डिंग एकदम फ्रेश और सफाई बढ़िया आएगी। ये देखिए मोल्डिंग हमारी बनाई जा रही है। तो दोस्तों देखिए मोल्डिंग का मसाला इतना अच्छा भी किसी फिनिशिंग आएगी, मसाला जब भी बनवाएं इसका चाल कर बारीक मोरंग जरूर लें, ताकि मोल्डिंग हमारी एकदम फ्रेश उतरे और एकदम बेहतरीन सफाई आए। ये देखिए हमने सूती का कपड़ा ले लिया है, जिससे मोल्डिंग ऊपर मार कर देखिए दोस्तों दिखा रहे हैं, ये देखिए कितना फ्रेश मोल्डिंग आ रही है। हमारे चेला है जो कि मोल्डिंग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये देखिए। तो ये देखिए दोस्तों मोल्डिंग हमारी बनके तैयार हो गई है रेलिंग के पिलर पर। हमने इसमें तेल और ग्रीस लगाकर इसमें ढलाई स्टार्ट कर दिया है, और मजबूती के लिए इसमें सरिया डाल दिया गया है दोस्तों। मसाला लूज रखें ताकि मोल्डिंग हमारा फ्रेश उतर के दिखाई दे। ये देखिए दोस्तों मसाला लूज रहेगा दोस्तों, मोल्डिंग खुलने के बाद अच्छी दिखाई देगी। ये देखिए दोस्तों मसाला हमने कैसे ढीला मसाला बनवाया हुआ है, जो कि बढ़िया सफाई में उतरे मोल्डिंग हमारी। और हमने एक गुटका से इसको फ्रेश करके इस पे धोगा चढ़ाया जा रहा है दोस्तों, ये सीमेंट मार कर धोगा चढ़ाया जा रहा है, जो कि एकदम फ्रेश और चिकना हो जाए दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।